गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ चुलकाना धाम पे, तो चलिए चलते हैं। हे गाइस, तो यार घुमाता हूँ आपको मैं, जितना हो सके उतना घुमाऊंगा, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं रखनी, ठीक है। गाइज हम पहुंच गए थे चुलकाना धाम। यहाँ मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ श्री श्याम कुंड। यहाँ लोग आकर नहाते हैं, फिर दर्शन करते हैं, बाद में भी नहा सकते हैं यार, ऐसे कोई बात नहीं होती। और अब आप देख रहे हैं यहाँ की सबसे खास चीज गाइज, प्राचीन पीपल का पेड़। इसकी खास बात है कि इसके हर एक पत्ते में छेद मिलता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। कहा जाता है गर्भरीक, जिनको आज हम सब बाबा श्याम के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस पेड़ पर अपने बाण चलाए थे, जिसकी वजह से पेड़ के पत्तों में आज भी छेद मिलता है। लोग अपने दिए और जोत वगैरह लगाते हैं। अभी लेके जाऊंगा यार आपको दर्शन के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हरियाणा के आसपास या हरियाणा में रहते हैं और आप यहाँ नहीं आए, तो यार आपने काफी चीजें मिस कर दी हैं। ये मेन लाइन है एंट्रेंस के लिए यहाँ से, और ये बाहर से दर्शन कर सकते हैं हम, क्योंकि लाइन बड़ी लंबी थी यार, तो मैंने बाहर से ही कैमरा कर दिया, और अंदर कैमरा अलाउड भी नहीं होता। तो वो सामने आपको बाबा श्याम दिख रहे हैं, अभी मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। और यार यहाँ के जिस लेवल की शांति मिलती है यार, बहुत गजब है। आप यहाँ ज़रूर आओ। समालखा से लगभग 6 किलोमीटर ही दूर है, ये ज़्यादा दूर नहीं है, और पानीपत के भी काफ़ी पास पड़ता है। और ये वही पीपल का पेड़ आ गया। मेरे फ़ोन का कैमरा तो यार इतना अच्छा नहीं है कि मैं आपको एक एक पत्ते में छेद दिखा सकूँ, उसके लिए तो आपको आना ही पड़ेगा यहाँ यार, और आप खुद आके देखो यार कैसा लगता है। और यहाँ मैं आपको यार एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। भीम जो थे महाभारत के, उनके पुत्र का नाम था घटोत्कच, और घटोत्कच के एक पुत्र थे बर्बरी। ऐसा भी कहा जाता है कि इनके पास 3 बाणों की शक्ति थी, जिससे ये पूरे महाभारत को ख़त्म कर सकते थे। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि ये अपनी माँ से वादा करके आए थे कि जो भी पक्ष निर्बल होगा यानी कमज़ोर हो, ये उनकी तरफ से लड़ते। देखो यार स्टार्टिंग में तो पांडव ही कमज़ोर थे, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर वो पांडव की तरफ से लड़ते तो उसके बाद कौरवों का पक्ष काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता, और उसके बाद वो कौरवों की तरफ से लड़ के पांडवों को भी ख़त्म कर देते, तो इसलिए श्री कृष्ण ने उनका सर मांग लिया दान में। ओके गाइज, अब हम चल रहे हैं यहाँ से। आप भी आओ यार कभी इधर टाइम निकाल के, काफ़ी अच्छी जगह है, दर्शन करो बाबा श्याम के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, डू लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और मिलते हैं अब आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।